मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार्मिक नगरी उज्जैन में दो घरों के हिस्सों को ढहाए जाने के खिलाफ दो महिलाओं की याचिका मंजूर करते हुए उन्हें सरकारी खजाने से 1-1 लाख रुपए का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी भी की है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बगैर किसी भी घर को ढहा देना स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए फैशन बन गया है। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विवेक रुसिया ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद उज्जैन निवासी राधा लांगरी और विमला गुर्जर की याचिका को स्वीकार किया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 4 हफ्तों की तय प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर नहीं दिए जाने के कारण उनके घरों के हिस्सों को उज्जैन नगर निगम द्वारा ढहाए जाने को अवैध करार दिया। दोनों याचिकाकर्ता ने उज्जैन के सांदीपनी नगर में आर्थिक रूप से कमजोर तबके ईडब्ल्यूएस के आवास योजना के दो घरों के हिस्सों को स्थानीय प्रशासन द्वारा 13 दिसंबर 2022 को ढहाए जाने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। सर, इसमें 13 दिसंबर 2022 को एक राहुल लांगरी करके हमारे पक्षकार हैं, उनका मकान तोड़े गए थे और उज्जैन में, उज्जैन नगर निगम के द्वारा, और इसमें उसका एक आपराधिक प्रकरण में संलिप्त होना पाया गया था, इसलिए मकान को तोड़ दिए गए थे बिना कानून की प्रक्रिया का पालन किए। उस अवैध डिमोलिशन के अगेंस्ट उनकी वाइफ और उनकी मदर ने हाईकोर्ट में मुझे याचिका प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जो मैंने प्रस्तुत की गई थी। उसको स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने हमें 1-1 लाख का दोनों मकानों पर मुआवजा दिलवाया है, बिल्डिंग ऑफिसर पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं और साथ ही यह भी कहा है कि उचित मुआवजा प्राप्त करने के लिए मकान का हम सिविल कोर्ट में जाके अपना दावा लगाएं।